कक्षा छः संस्कृत सप्तमः पाठः संहति कार्यशादिका। प्रश्न एक, एक पदेन उत्तरम लिखत मीन्स क्या है? एक शब्द में उत्तर लिखिए। एक पदेन मीन्स एक शब्द में उत्तर लिखना। ओके, का पॉइंट है? वयम नेत्राभ्याम किम कुर्मः। वयम का मीन्स क्या होता है? हम। वयम का मीन्स होगा हम। नेत्राभ्याम, ठीक है, नेत्राभ्याम मीन्स दोनों नेत्र से। किम मीन्स क्या होता है? क्या। कुर्मः मीन्स करते हैं। वयम का मीन्स हम, नेत्र मीन्स नेत्र, तो क्या होगा? हम दोनों नेत्रों से क्या करते हैं? क्या करते हैं, सबको पता है, नेत्रों से क्या करते, देखते हैं। तो पश्यामः, पश्यामः का हम मीन्स क्या होगा? देखते हैं। तो क्या होगा? वयम नेत्राभ्याम किम कुर्मः, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पश्यामः। नेक्स्ट है, तृणानाम मेलनेन किम भवति। तृणानाम मीन्स क्या होता है? तिनकों, ठीक है। मेलनेन मीन्स मेल से, किम मीन्स होता है क्या, भवति मीन्स होता है। तो क्या होगा इसका आंसर? तृणानाम मेलनेन किम भवति, तिनकों के मेल से क्या होता है? उत्तर हो जाएगा रज्जु निर्माणम, मीन्स जो तिनके होते हैं छोटे छोटे, उनसे रस्सी बनाई जाती है। तो क्या होता है? रज्जु निर्माणम मीन्स रस्सी का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, कैन बलशाली गजह बद्धते। इसका मीन्स क्या होगा? कैन मीन्स किससे, बलशाली मीन्स बलशाली मीन्स बलशाली ही होता है। गजह, गजह का मीन्स होता है हाथी, ठीक है। बद्धते मीन्स बांधना, तो क्या होगा, मतलब बलशाली हाथी किससे बांधा जाता है, ठीक है। बलशाली हाथी जो होता है वो किससे बांधा जाता है? रस्सी से ही बांधते, तो इसको संस्कृत में कैसे बोलेंगे? रज्जुना मीन्स किससे बांधा जाता है? रज्जुना मीन्स रस्सी से। नेक्स्ट पॉइंट है, घ कही वस्त्र निर्माणम भवति। कही कही वस्त्र निर्माणम, वस्त्र निर्माणम मीन्स वस्त्र का निर्माण। कही मीन्स किससे, भवति मीन्स क्या होता है? होता, तो मीन्स क्या होगा? वस्त्र निर्माण किससे होता है? सब लोग पता है वस्त्र किससे बनाए जाते हैं, छोटे छोटे धागों से ही बनाए जाते हैं। तो इसको संस्कृत में कैसे बोलेंगे? तंतु भी मीन्स धागों से, मीन्स धागों से मिलकर ही वस्त्र बनाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? तंतु भी मीन्स इसका क्या होगा? धागों से। नेक्स्ट है, घटः कैन पूर्णः भवति। घटा का मीन्स क्या होता है? घड़ा। घटा का मीन्स क्या होगा? घड़ा, जैसे कि मटका। कैन मीन्स किससे, पूर्ण, पूर्ण मीन्स पूरा, ठीक है। भवति मीन्स हो जाता है, मीन्स पूरा हो जाता है। तो मीन्स घटा कैन पूर्ण भवति, तो घड़ा किससे भर जाता है? घड़ा किससे भरता है? पानी से ही भरता है, मतलब बूंद बूंद से ही भरता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बिंदुना। बिंदुना का मीन्स क्या होगा? बिंदु से। नेक्स्ट छः पॉइंट, का कार्य साधिका भवति। का मीन्स क्या होगा? कि मतलब क्या। कार्य साधिका मीन्स कार्य में सफलता देने वाली। भवति, भवति का मीन्स होता है, होता है। तो कार्य में सफलता देने वाली क्या होती है? तो मीन्स जो कार्य में सफलता देने वाली क्या होती है, आप लोग खुद बताइए। एकता मीन्स संहति, संस्कृत में क्या बोलते हैं इसको? संहति मीन्स एकता। का कार्य साधिका भवति, तो क्या होगा? कार्य में सफलता देने वाली कौन होती है? संहति मीन्स एकता ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वाक्य उत्तरम लिखत मीन्स क्या होगा? एक वाक्य में उत्तर लिखो, मीन्स एक वाक्य में उत्तर लिखना है। जैसे कि एक पद में सिर्फ एक शब्द में ही लिखा जाता है, और एक वाक्य का मीन्स होता है कि एक वाक्य में ही लिखते हैं, ठीक है। वयम कया जिग्रामा का पॉइंट क्या है? वयम कया जिग्रामा, वयम का मीन्स क्या होता है? हम। कया मीन्स किससे, जिग्रामः, जिग्रामा का मीन्स क्या होता है? सूंघते हैं। क्या होगा? जिग्राम में सूंघते हैं। अभी बताएं हम किससे सूंघते हैं, सबको पता है नाक से सूंघते हैं। तो क्या होगा? वयम नासिका जिग्राम। इसमें पूरा एक वाक्य लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ एक वाक्य, तो आप लोगों को एक वाक्य में ही लिखना पड़ेगा। तो कया, कया की प्लेस पर आ जाएगा अपना नासिकाया। नासिकाया मीन्स नाक से। हम किससे सूंघते हैं? हम नाक से सूंघते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वयम कही अन्य चर्वणम कुर्मः।
वयम का मीन्स क्या होगा? हम होगा, ठीक है। और कही मीन्स किसके द्वारा, अन्य चर्वणम मीन्स अन्य को चवाना, ठीक है। तो मीन्स क्या होगा, हम किसके द्वारा अन्न चबाते हैं, अन्न कैसे चबाते हैं, सबको पता है किससे चबाते हैं, दांत से चबाते हैं। तो कही की प्लेस पर क्या हो जाएगा, कही की प्लेस पर आ जाएगा दंतई मीन्स दांत से। तो क्या आ जाएगा, वयम दंतई अन्न चर्वणम कुर्मा, हम दांतों से अन्न चबाते हैं। अब नेक्स्ट है कैन चक्र निर्माणम भवति, कैन मीन्स क्या होगा, किसके द्वारा, चक्र निर्माणम मीन्स चक्र का निर्माण, भवति का मीन्स क्या होता है, होता है। तो क्या होगा, किसके द्वारा चक्र का निर्माण होता है, किसके द्वारा होता है चक्र का निर्माण, बहु नाम आराणाम मीन्स, आराणाम मीन्स क्या होगा, तिलियों के मीन्स बहुत सी तिलियों के, सहयोग मीन्स सहयोग से चक्र निर्माण, चक्र का निर्माण होता है किससे होता है, बहुत सी तिलियों के सहयोग से। तो बहु नाम आराणाम सहयोगेन चक्र निर्माणम भवति। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है वृक्ष कहीं शोभते, वृक्ष कहीं शोभते मीन्स वृक्ष किससे शोभा पाता है, कहीं मीन्स क्या होगा, किससे शोभते मीन्स क्या होता है, शोभा पाता है। तो वृक्ष किससे शोभा पाता है, पढ़ नहीं का मीन्स क्या होता है, पत्ते, किससे, तो वृक्ष किससे शोभा पाता है मतलब उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो इसका ये मीन्स है, पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, फल होते हैं, शाखा वृक्ष ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसलिए इसको संस्कृत कैसे बोलेंगे, पत्ते, पत्ते को क्या बोलते हैं, पर्णही, पुष्प ही मीन्स फूल, फल ही मीन्स फल, शाखा भी मीन्स शाखा, और क्या जाएगा, वृक्ष और शाखा वृक्ष की शोभा देते हैं, मतलब ये सब चीज़ें हैं जो वृक्ष की शोभा देते हैं। क्या क्या हो जाएगा, पर्णही, पुष्प ही, फल ही, शाखा भी ही, च वृक्ष शोभते। अब नेक्स्ट देखिए, आप निम्नलिखित ही शब्द ही वाक्यानि रचयत, तो मीन्स अपन को उसमें क्या बनाना है, शब्द बनाना है, ठीक है, शब्द से वाक्य बनाना है। अब जैसे कि फर्स्ट क्या है, हस्तैन मीन्स क्या होगा, हाथ, तो इसका वाक्य अपन क्या बनाएंगे, ये देखिए, अहम हस्तैन कार्यम करोमि, हस्तैन मीन्स हाथ। आप लोग कोई भी वाक्य बना सकते हैं, जरूरी नहीं है जो उसमें है कि आप लोग वही बनाओ, हम हाथ से जैसे कि हाथ से खाना खाते हैं, इसे भी हाथ से लिखते हैं, ठीक है, इस तरीके से कोई वाक्य बना सकते हैं संस्कृत में। अब जैसे कि इसमें क्या बना हुआ है, अहम हस्तेन कार्यम करोमि, मतलब अहम का मीन्स क्या होता है, मैं, हस्तेन मीन्स हाथ से, कार्य मीन्स कार्य, करोमि मीन्स करता हूँ, मैं हाथ से कार्य करता हूँ। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, पदाभ्याम मीन्स क्या होगा, पदाभ्याम का मीन्स पैर, ठीक है, पैर, तो मीन्स पैर से क्या करते, चलते हैं। तो वयम का मीन्स हम, तो वयम पदाभ्याम चलामः मीन्स चलते हैं, हम दो पैरों से चलते हैं, ओके। अब नेक्स्ट है नासिकाया, नासिकाया मीन्स क्या होगा, नाक, नाक से क्या करते, सूंघते हैं। तो आप लोग क्या वाक्य बना सकते हैं, नासिकाया वयम जिग्रामः मीन्स हम नाक से सूंघते हैं, जिग्रामः का मीन्स क्या होता है, सूंघना। अब नेक्स्ट क्या है, मालावी, नेक्स्ट घा का पॉइंट है, मालावी मीन्स माला, माला से क्या होती है, देवताओं की पूजा की जाती है। तो क्या वाक्य बनाएंगे, मालावी ही देवताः पूज्यन्ते मीन्स मालाओं से देवता की पूजा की जाती है। नेक्स्ट है संहति, संहति मीन्स होता है एकता, तो संहति कार्य साधिका भवति मीन्स संहति मीन्स एकता से, कार्य साधिका मीन्स कार्य सफल, भवति मीन्स होती है, तो एकता से कार्य सफल होता है, ओके। इस चैप्टर के मैंने इस क्वेश्चन आंसर समझा दिए हैं, तो आप लोग है ना इसको एक बार और देखना और अच्छे से समझना और लर्न करना, ओके, थैंक यू।